यही सवाल था जी बेटा, इंग्लिश में हम जा रहे हैं। इनमें सब शाही क्या लिखा था आपने बेटा? ये जो आज साहब गए बोल्ट, बोल्ट नहीं लिखा था जी। इसके बाद ये देखें, चलो अब ये देखें, बोल्ड आ गया। अब दूसरी तरफ ये वही सवाल अब दूसरी तरह आ गया। टेम्प्ट इसका यही था, आपने भी यही लिखा है। तो शाही का बोल्ड था, मतलब वो थोड़ा सा फर्क आ गया, लेकिन वो बहरहाल इस तरह है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया जी। बिल्कुल, बहुत से लोगों ने यही लिखा है और ठीक भी है जी। इसका बेटा सर, इसका मीनिंग तो एंग्री है ना, तो जी जो जी ये वाले की है। काम ठीक हो गया बेटा, अच्छी बात है जी बेटा। ये अच्छा, जुबानी नहीं याद आ रहा कि क्या लिखा था। ठीक, बैंक डी डोर बट आगे इसका ये किया था, बट नथिंग कहा जी। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है जी बेटा। फॉर ठीक हो गया जी, ये आ गया जी नेक्स्ट। बिल को यही लिखा था आपने जी, बिल्कुल ठीक हो गया बेटा, यही ठीक है। तो ये अब इसी तरह के आपके बाकी भी आ जाएंगे अंडरस्टूड लिखा था आपने, चलो अभी सामने आ जाता है। ठीक हो गई बात, आपने ये भी ठीक किया जी। नेक्स्ट जी बेटा, बात आपकी ठीक है ये भी ठीक हो गया आपका। ठीक हो गया जी, ये भी ठीक हो गया आपका जी बेटा। इसका परफॉर्म था, परफॉर्म बट अ फेस दैट इज मोस्ट जी बेटा, ये आ गया आपका परफॉर्म। अभी सामने आ जाता है, कंफ्यूजन लिखा भी यही है आपके या पहले से एक बाद में आकर चेक किया है? नहीं, अभी तक चेक तो नहीं है। अच्छा, ये लिखा ही आपने, आपके तो काफी अच्छे बेटा जवाब जा रहे। जी बिल्कुल, प्लाइट बेहतर लफ्ज है। डी वाला के डी वाला डी वाला ये गलत हो गया आपका। ये जी
किस जगह ही है? किस रीजन में है? रीजन बोलते हैं, ये जितने लिखे हुए हैं ना, ये पहाड़ी रीजन लिखे हुए हैं, इनमें किस में था? माउंटेन रेंज ऑफ पाकिस्तान। आपने क्या लिखा बेटा? ये लिखा था या नहीं? कोई बात नहीं, इतने आपके ठीक है, एक दो गलत हो गया तो क्या बात होगी। जी जी ये सारे हैं, लेकिन ये जो सबसे जरूरी है वो उसकी बात आ जाए। जी बेटा, ये तकरीबन सब ने यही किया और ठीक भी है। जीनेस्ट बिल्कुल ठीक है आपके। ये इसके बाद आ जाए। ये सर बीगल है इसका। बी वाला? जी नहीं नहीं बेटा नहीं। आर्गन आपकी स्टेट, स्टेट के आर्गन इज नॉट दी ऑर्गन। हाँ बिल्कुल ही फिर ठीक है। कौन सा? लेकिन देखें, ये पहले आपने बी लिखा है। बी तो डीजी, बी तो एक मिनट बाद के सामने आ जाता है। बी स्टैब्लिशमेंट एक जनरल सा लफज है, इसका कोई बॉडी नहीं होती, और स्टेट के में बड़ा अहम फंक्शन होता है। लेकिन जो तीनों लास्ट में लिखे हैं ना, वो तो बड़े लाजमी हर किताब में लिखा हुआ है कि ये ऑर्गन हैं आप स्टेट के। जुडिशरी में दोबारा उस तरफ जाता हूँ ताकि समझा सकूँ। एग्जेक्टिव जो लोग मुंतखब होकर आते हैं वो एग्जेक्टिव होते हैं, वो असेंबलियाँ चलाते हैं, सारी चीज़ें चलाते हैं। उसके बाद आपकी जुडिशरी, कोई कला का स्टेट आर्गन है, वो इंसाफ की फ्राहमी का जमा। लेजिस्लेशन जो मुंतखब होकर आते हैं, उन्होंने असेंबलियों में बैठना है, पार्लियामेंट में बैठना है, कानून साजी करनी है। तो एग्जेक्टिव जुडिशरी ये लाजमी पार्ट है स्टेट के। और ये जो है इस्टेब्लिशमेंट, ये एक जनरल सा लफज है। बहुत से लोग जो रियासत में जिम्मेदार होते हैं, वो बाज़ देखते हैं कि रियासत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है तो उसके मुदाखलत करते हैं, या कुछ साथ कोई स्टोरी उनकी कोई ना कोई निकल आती है, लेकिन वो स्टेट आर्गन के तौर पर किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इसको हम, आपने बी लिखा एग्जैक्टिव इज नॉट दी। जी बेटा ठीक हो गया आपका। देखे ना आपकी मौजूदगी में कई चीज़ें साथ साथ क्लियर होती जा रही हैं। जी सबसे अच्छा, आप सब बच्चों को मैंने कहा था सबसे अच्छा रिस्पांस फौरी तौर पर सुबह ही आ गया था, वो था वो क्या, हमना। हमना इस वक्त मौजूद नहीं है शायद, लेकिन उसने काफ़ी अच्छे सा क्वेश्चन जो है, क्योंकि अंदर से सवाल जो है ना कोई प्रिंट तो लेकर आ नहीं सकता, तो जो सवाल अंदाजे से उसने लिखे काफ़ी ज़्यादा सवाल थे जिसकी मदद से हमने ये किया। और आज आपकी मौजूदगी में कई सवाल क्लियर हो रहे हैं कि ये सवाल जो है ना इस तरह आया था या इस तरह नहीं आया था। जी पढ़े। इसका क्या जवाब लिखा था बेटा आपने? सर इसका मिल्क प्योरिटी किया था। लिखा यही था आपने? जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट। क्या किया था? बी वाला? सी वाला। सी वाला दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड। जी बेटा अभी सामने आ जाता है आपका जवाब, दोस्त हो गया। जी ये तो आता होगा आपको। जी बिल्कुल, इसके ऑप्शन देखें तो इसमें से सबसे नुमाया जो आपको फुटबॉलर वाला नजर आता है, और जवाब भी दुरुस्त है। ये तकरीबन हर बच्चे ने दुरुस्त किया। जी बिल्कुल, ये भी जवाब बेशुमार बच्चों ने बताया कि बिल्कुल ठीक इन्होंने किया। ये रियाद।
Diaz. Next. Operating system. Could not boot it if does not have the assembler. कौन सा किया बेटा आपने? ऑपरेटिंग सिस्टम अभी सामने आ जाता है जी. बिल्कुल जवाब ये भी दुरुस्त हो गया जी. सर ये तो मेरा गलत है, मैंने जेंडर यूज़ कर दिया था. वो गलत है, हालांकि आपको याद हो कि ऑनलाइन जब क्लास हो रही थी मैंने इसके बारे में बताया था कि सिविल जो है किस तरह जुल्फकारी भुट्टो को सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था. वो जो चूँकि माशाल्लाह तो जाया खान ने लगाया हुआ था, तो जब मुल्क तकसीम हो गया तो वो फौरी तौर पर इतना तूफान खड़ा हो गया कि उन्हें इक्तदार छोड़ना पड़ा. तो फौरी तौर पर कोई और सिस्टम भी नहीं मौजूद था, तो उसकी वजह से सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने इक्तदार संभाल लिया. तो ये अनोखी मिसाल है दुनिया में. ये तकरीबन सब बच्चों ने दुरुस्त किया है, चंद एक ने जिसमें एक आप भी हैं, लेकिन कोई नहीं, आपके बहुत से जवाब दुरुस्त हैं इंशाल्लाह जी. सर ये तो इंडिया है, ये तो सबको पता है जी. ये तो आजकल चूंकि पिछले दिनों बहस का सबब भी रहा है, वो कह रहे थे हम एशिया कप में नहीं आएंगे, हमने कहा वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे. तो ये तकरीबन याद था, सब ने तकरीबन यही लिखा है भी यही. तकरीबन सब ने यही लिखा है और ठीक भी है. चंद एक ने नहीं जिस तरह लिखा, लेकिन ठीक है. ये 11 ये भी ठीक है. इसमें एक बात अगर बताने वाली ब्लू एंड व्हाइट, सब ने यही लिखा है, बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है. ये बास ने पाउंड लिखा है, बास ने यूरो लिखा है. तो निशान जो है ना ये तो यूरो वाला ही है. आपने क्या लिखा? मैंने पाउंड लिखा था. अभी देख लेते हैं ये डूस क्या अभी तक आ रहा है. पाउंड आपका ठीक है बेटा. ये अभी जो निशान चेक किया उन्होंने, अगर इसी तरह दूसरा ये निशान एग्जैक्ट अभी तक किसी ने हमें बस बताया जी इस तरह का था, तो अगर निशान ही वहां कुछ और है तो फिर कुछ और आ जाएगा. पाउंड ठीक है फिर आपका. सर ये निशान था. निशान यही था. चलो फिर तो और आपकी एक गवाही हो गई. लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल बाई एरिया, एरिया वाइज दूसरा सवाल इस बार हो सकता है बाई पॉपुलेशन. तो वो आपने अगर एशिया लिखा है तो अभी सामने एशिया ही है, ठीक हो गई बात. कौन सी जी बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट सवाल पाक स्टडी के आगे दो अभी जो आप सामने आ जाता फंडामेंटल दुरुस्त है जी. नेक्स्ट. अच्छा एक बात साथ साथ आप भी बताते थे, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं थे जो रोए के रह गए. अगर इस तरह का कोई याद आए तो अभी बता देना, क्योंकि ये हमने काफ़ी बच्चों से पूछ कर ये तरतीब दिया है पेपर. तो अगर कोई सवाल ही गलत है या सवाल इस तरह नहीं था किसी और था, ये भी आपने बताना है, क्योंकि अंदर तो हाँ जी बिल्कुल. तो ये आपने करेक्शन हमारी करते जाने ताकि हम इसको ठीक कर सकें. बच्चों के सामने एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर जानी चाहिए. The coastal area of Pakistan is situated in the Pakistan. नॉर्थ में मौजूद है, ईस्ट में मौजूद है, साउथ में मौजूद है, वेस्ट में मौजूद है. कोस्टल एरिया कहाँ लिखा था आपने बेटा? ईस्ट में. कोस्टल एरिया दोबारा दरा लो. ये देखें कहाँ है, साउथ में. क्योंकि ये समुंदर कोस्टल एरिया कौन सा होता है जहाँ समुद्री हदूद समुंदर और उसके पास जो रोड वगैरह होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोस्टल एरिया. तो अगर वो याद आ जाता आपको सही मैंने उस वक्त जेहन में नहीं आया होगा, तो कोस्टल एरिया हमारा ज़्यादा साउथ में, जनूब में हमारे समुंदर है.
तो उसके साथ जितना कोस्टल हाईवे आपने सुना होगा तो जो क्वेटा की तरफ जाती है कराची से, तो साउथ है वो। जी बेटा, अच्छा जी, ये जो है ना सवाल, ये पहले मुझे सवाल के बारे में, मुझे क्योंकि बस बच्चों के बताया जी, उन्होंने आगे लिखा है वो क्या नाम है, मुस्वा कमाल पाशा, लेकिन वो तो है अगर खिलाफत ख़त्म की है, एंड ऑफ खिलाफत इन तरकिया, अगर ये सवाल हो तो फिर वो ठीक है, लेकिन खिलाफत मूवमेंट ये सिर्फ ये पूरे ब्रिटिश इंडिया में शुरू हुई थी, और यहाँ अगर ऑप्शन ये दिए हुए हैं तो ये इनमें से आपने लिखा कौन सा लिखा है बेटा आपने? मौलाना शौकत। फिर आपका जवाब ठीक होना चाहिए। नहीं, मौलाना शौकत दोनों साथ ही थे ना, दोनों साथ ही थे, दोनों आ गए तो फिर एक ठीक है, आपने एक दे दिया ठीक है। तो जो मुझे पहले बताया बच्चों ने कहा जी खिलाफत ख़त्म करने की बात हुई थी, खिलाफत नहीं ख़त्म होने का, नहीं ये सवाल है वो जो सामने आया, दोबारा इसको देख लेते हैं, यहाँ सवाल है खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट बड़े शरीर में शुरू हुई। हाँ जी बिल्कुल, तो वो तो फिर बड़े शरीर का कोई बंदा होना है ना, मुस्तफ़ा कमाल पाशा तो नहीं होना, क्योंकि ये तो बड़े शरीर में शुरू हुई थी, ब्रिटिश इंडिया जिसको कहते थे, तो वो यहाँ मूवमेंट शुरू हुई काफ़ी देर तक, बल्कि मैं आपको सवाल कराता रहा हूँ जिसमें यह था कि जी किस हिंदू लीडर ने इसकी हमायत की थी, तो आपने बताया था ये गांधी है, ठीक है गांधी साहब ने हमायत की थी, तो ये चूंकि खिलाफत मूवमेंट का लफज है इसलिए आपका ये जवाब जो है ना दुरुस्त है। जी मेंबर, हाँ जी, कितनी मुद्दत है? मेंबर्स ऑफ सेनेट पाकिस्तान आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ ईयर्स, 5 ईयर नहीं है, वो कौमी असम्बली के होते हैं, 4 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, फिर पीछे क्या बचा 6, 6 साल के लिए होते हैं, हर 6 साल के 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, आधे मेंबरान रिटायर्ड हो जाते हैं और आधे रहते हैं, और बाकी जो फिर नए नए मुंतब होते हैं वो शामिल होकर फिर उतनी तादाद हो जाती है, पहले ये 104 तादाद थी, अब कुछ तरमीम जो पिछली आई हैं अब ये आस्ता आस्ता इनकी तादाद कम होकर 96 रह जानी है, लेकिन अभी जो तादाद का चूँकि सवाल ही नहीं, टर्म पूछी है तो टर्म जो है ना वो 6 साल है, जवाब ये दोस्त है आप। जी द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एन इस्लामिक सिस्टम इज गवर्नमेंट के साथ सोसाइटी तौहीद। नहीं बेटा नहीं, ये सवाल समझे ना, ये थोड़ा सा फर्क, मैं बार बार जो ऑनलाइन क्लासेस हम लेते रहे हैं बार बार ये थे कि सवाल को पहले समझे, जहां उलझन आए उसे दोबारा पढ़े, तीसरी बार पढ़े, फंडामेंटल प्रिंसिपल बुनियादी असूल, तो ये बेसिकली क्या पूछा है, अरकान इस्लाम तौहीद सर। नहीं 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 बेटा, वो इस्लाम सिस्टम का लेवल आपने समझा शायद ये बात होगी, हमारा तो अरकान इस्लाम है बेसिकली ये सवाल जो पूछा हुआ। जी बेटा, ये 1861 अभी सामने आ जाए, लेकिन मैं बताया हुआ है बहुत डिटेल से बताया था कि ब्रिटिश इंडिया किसको कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब आई और कितने अरसा रही और कब ब्रिटिश रूल जो है बरतानिया का डायरेक्ट रूल कब शुरू हुआ। ये आपके पास है 1857 में जंगे आज़ादी हुई, जो अंग्रेज उसको गदर कहते थे हम कहते थे, उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद जब ब्रिटिश का राज आ गया तो वो फिर ये ऑप्शन आपके सामने आ गया 58। जी बेटा,
डी वाला रिफ्यूजी डी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कायदे आजम एस्टेब्लिश द फंड कानूनी शाली प्रॉस्पेरिटी। आपने बिल्कुल ठीक बात किया। रिफ्यूजी उसके वक्त सबसे बड़ा रिफ्यूजी का मसला था। 1857 जो है ना पिछले सवाल में बहुत अहम है, क्योंकि उस वक्त तक इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बाद में वो दूसरा आ गया अपना ब्रिटिश रूल आ गया, तो वो चूंकि फौरी बाद थोड़ा दिन लगते हैं, कुछ टाइम लगता है, इसलिए वो जो ये चार दफा ले ये पढ़े। इसका तो अफगानिस्तान ये कौन सा था? ये तो मैं बड़ी दफ़ा आपको करवाया था, याद हो अगर आपको, कि ये सवाल बार बार कितने हमायत की थी, किसने मुखालफत की थी, फिर ये नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने कहा था जी वो क्ल्यू दिए थे कि वो पाकिस्तान का एक नेबरल मुल्क है, वो एक इस्लामी मुल्क है, बाद में हमारे बड़े अच्छे बरादराना तल्लुकात उसके साथ हो गए, तो फिर लास्ट में लोग समझ गए और उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान है जिसने अपोज किया था पाकिस्तान की यूनाइटेड स्टेट में शराकत को। ये आपका जवाब आ गया। अब ये आ गया 1990। ये जवाब आपके सामने 1909। उसके बाद ये 1948। पक्की बात है, दुरुस्त मान लें? बाद में भी चेक किया आपने? चेक करना चाहिए था ना। ये 48 आपका दुरुस्त हो गया। इस्लामियात के आगे बेटा इज़राइल जब्राइल इस्राइल मैकाइल आपने क्या लिखा था? जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अनलॉफुल ठीक। ये जवाब तो आ गया पहले पहले सामने स्लाइड आ गई थी। ये लिखा भी आपने यही था ना? जी। ये दूसरा ये हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह। ये आ गया जी सवाल ज़ैद बिन साबित ठीक है। ये नेक्स्ट बेटा ये फर्स्ट है। ये तो आ गया, ये तो पहले उसी सवाल को दूसरे अंदाज में आ गया। इसका डिस्ट्रीब्यूट है डिस्ट्रीब्यूट और यहां देखें इंक्रीज। सर वो उन्होंने पूछा हुआ है ना कि उसका मीनिंग क्या है, तो फिर यही आएगा तकसीम करना। द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात लिटरल मीनिंग ऑफ इंक्रीज भी काफ़ी कहते हैं ना कि ये इंक्रीज है इसका लिटरल मीनिंग। ये आप दोबारा चेक कर लें, कोई मसला नहीं है, आप दोबारा चेक कर लें। अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट है तो दोबारा चेक कर लें। ये जो दैट जी ये दो होते हैं, दो चादरें होती हैं, तो ये आपके सामने आ गए। उसके बाद ज़ाहिर है अल्लाह ताला की आखिरी किताब कौन सी है, हम अक्सर पढ़ते भी हैं देखते भी, ईमान भी हमारा यही है, तो वो होली कुरान आ गया। नेक्स्ट ये होगा बी वाला। नो associating partners who do not believe in oneness of Allah. हाँ जी आपने बी वाला लिखा है। जी सर। ये तो मुनाफिकीन है, वो तो बज़ाहिर मानते हैं। जी
तो मुशरक, मुशरक कहते हैं इसको जो अल्लाह को न माने। सवाल समझने में थोड़ी गलती हो गई आपसे। मुनाफिकीन तो मानते हैं, बज़ाहिर मानते हैं, ऊपर से हर चीज़ अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, लेकिन दिल में उनकी मुखालफत करते हैं और साथ से करते हैं। तो मुशरक जो है होता ही वो है जो अल्लाह के सवा किसी और पर भी बिलीव करे, शिरक करे। चलो इसका पोर्शन बता दें। द इस्लामिक जिहाद, लो भाई सोड, ये आप एक है ना कि अगर आप कर सकते हैं तो ताकत से रोके, तो दूसरा है कि नहीं कर सकते तो दिल में समझे। तो वो इस तरह जो सिलसिला है उसके हवाले से है कि सबसे अच्छा तरीका तो ये है, अगर इंसान में ताकत है तो वो अपनी तलवार से जहाद में हिस्सा ले। तो ये आ गया जी नेक्स्ट। हाँ जी, कौन सी शील्ड है जो बचाती है गुनाहों से? ये दोबारा पढ़ लें, विच आर द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज ए शील्ड अगेंस्ट सिन? फास्टिंग तो रोजे वगैरह, हज ये भी है, सवाल ये सारी चीजें हैं जो गुनाहों से बचाती हैं, लेकिन जो ज्यादा मतलब आप कहें कि बचाती है चीजें वो है जो नमाज पढ़ने वाला है उससे भी दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा तो गुनाहों से दूर है, लेकिन फास्टिंग के दौरान तो वो बिल्कुल ही नहीं ना करता, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं तो ये रखा ही इसलिए कि मैं गुनाह ना करूं। तो यहाँ जो जवाब है वो इन्होंने फास्टिंग दिया है हमें, तो इसका मतलब है कि ये ज्यादातर नहीं। आपने कौन सा लिखा था बेटा? चलो वो भी वैसे काफ़ी हद तक तो ठीक है, सारी चीज़ें ये जो गुनाहों से बचाने वाली हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर कौन सा है ये इसका मकसद ये बताएं जी। अच्छा, इसमें वाकई बाज़ बच्चों को मैथ से ज़्यादा तलक नहीं होता तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज। हैंड्स ऑफ ए क्लाक वैन 5 मिनट टू सर 4 o'clock, एक तो है 5 × 2.21। तो इसका जवाब हमारे पास है 147.5। ठीक है जी, दोबारा देखना तो दोबारा मैं कर देता हूँ। मैं अब समझ गया, हेड से वो देखना है ना, उसका एंगल देखना है आपने, तो वो इतना ही बनेगा। The salary of a man has increased by 200 if he knows that rupees 3000 his salary before the increase was। अब इंक्रीज से पहले कितनी सैलरी थी? 4 ऑप्शन है, 2000, 2300, 2400, 2500। बिल्कुल आपका ये जवाब ही दूसरा, आपके बहुत से जवाब ठीक है, मेरा नहीं ख्याल आपके कम नंबर आएंगे, नंबर बहुत अच्छे लेंगे आप। ये 56 सरकमफ्रेंस आ गया जी आपका 65, 56 वाला नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद आगे जी ये दो जवाब भी आपके सामने आ गया, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ गया भाई, ये कैलकुलेट कर जबानी भी करें तो आपको पता चल सकता है।
2.5 है रेट, तो 80,000 का 2.5 निकालें तो कितना होगा, 801% हो गया, 1600 और आधा जो है उसका 40 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 400, तो 2000 वाला ठीक लगता है। जी जी मुकम्मल हो गया, ये मुकम्मल हो गया। इतने सवाल अभी हमारे पास हैं, पर्सनल स्टेटमेंट तो बहुत मज़े की आई है सब बच्चों ने, कोई बच्चा मुझे नहीं जिसने वो ना किया हो। माई एम इन लाइफ, वो बेसिकली यही सवाल है अबाउट योर सेल्फ, या आपकी ओपिनियन क्या है, आप लाइफ के बारे में क्या आपका रुझान है, तो वो सब ने किया। अल्लाह करे सबके अच्छे नंबर आए, इसे ऐसे भी आसान आए हैं और काफ़ी बच्चों ने कहा कि हमने बहुत अच्छा किया है, तो अल्लाह करे सारे पास हो जाए। ये ऑनलाइन क्लासें हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो जल्दी हम शुरू कर रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं रब्ता ला कलिक के नंबर लामा इकबाल ला कलिक के जो नंबर नेट पर अवेलेबल है वहाँ रब्ता करें, तो अगला रिजल्ट आने से पहले हमने शुरू करना है। आखिरी जो टेस्ट है उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो आखिरी टेस्ट होना है, अगर पहले कोई फेल होकर आता है तो वो उसने लाजम करना है कि लाजम पास हो जाए ताकि इसी साल उसका दाखिला जो है कन्फर्म हो जाए। तो इसलिए सारे बच्चे जो करना चाहते हैं या जिनके कमज़ोर पेपर हुए हैं या नए जो करना चाहते हैं वो अभी से शुरू हो जाए, और जैसे ही क्लास शुरू होगी हम उन्हें जो हमारे रबते में उन्हें मैसेज करेंगे, डेली लिंक भेजेंगे और उसके बाद वो क्लास ज्वाइन करेंगे। डेली 2-3 घंटे की क्लास होगी और इंशाल्लाह टाइम चूँकि ज़्यादा होगा टेस्ट भी होते रहेंगे। तो जिस तरह इन बच्चों ने तैयारी की, बहुत अच्छी क्लास इनकी हुई है, बड़े अच्छे पार्टिसिपेट करते रहे हैं और इनके रिज़ल्ट भी अच्छे आने की उम्मीद है। कोई बच्चा मेरा नहीं ख्याल इनमें से फेल होगा जो पिछली ऑनलाइन क्लास में थे, तो आइंदा भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये स्टूडेंट की एक बहबूद का काम है जो ऑनलाइन क्लासें हमने शुरू की हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद यह है कि ख्वातीन को कॉलेज जाने में मुश्किल होती है, या दूसरे शहरों से लाहौर से तो कुछ बच्चे वो इंजॉय करते रहे हैं, लेकिन इसी तरह है कि वो घर बैठे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो आपके लिए सबके लिए बहुत शुक्रिया बेटा जिन्होंने शिरकत की। अस्सलामुअलैकुम।